हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम। आज हम बनाएंगे रोज़ लस्सी। रोज़ लस्सी रोज़ फ्लेवर्ड स्वीट योगर्ट ड्रिंक है जो गर्मियों के लिए सुपर रिफ्रेशिंग है। मतलब मैंने ट्रेडिशनल लस्सी को एक डिलीशियस ट्विस्ट दे दिया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ। तो सबसे पहले मैंने 2 कप दही लिया। ये घर का जमा हुआ दही है, एकदम गाढ़ा दही है। मैंने इसके साथ में लिया है 2 टेबल स्पून रोज़ सिरप, 2 कुटी हुई इलायची, इसके बाद में पिसी हुई शक्कर ली है मैंने 2 टेबल स्पून। आप इसे ज़्यादा कम कर सकते हैं शक्कर को, लेकिन मैंने कम इसलिए लिए क्योंकि रोज़ सिरप भी बहुत मीठा होता है। और इसके बाद मैंने 15 से 20 आइस क्यूब्स लिए हैं। तो लस्सी बनाने के लिए हमें इतना सामान लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक मिक्सी का जार, उसमें हम डालेंगे आइस क्यूब्स। सबसे पहले आइस क्यूब डाल दीजिए, शक्कर और रोज़ सिरप वगैरह ऐसे पहले मत डालिए, नहीं तो वो नीचे तले में बैठ जाएगा मिक्सी के जार में, तो बाद में वो स्वाद नहीं आ पाएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दही। तो ये इसमें दही भी चला गया है। अब हम इसके बाद में ऐड करेंगे पिसी हुई शक्कर। याद रहे, शक्कर पिसी हुई यूज़ करना है। खड़ी शक्कर डालेंगे तो वो मुंह में आती है, फिर वो स्वाद अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद इसमें इलायची डाल देंगे और इसके बाद हम डालेंगे इसमें रोज़ सिरप। आप कोई भी ब्रांड का रोज़ सिरप यूज़ कर सकते हैं। रूह अफ़ज़ा सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा है तो आप रूह अफ़ज़ा यूज़ कर लीजिए। मैंने इसमें रूह अफ़ज़ा यूज़ किया हुआ है। तो ये अभी हमने सब डाल दिया है इसमें। अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे। तो इसे हम मिक्सी में लगा के चला लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो लस्सी अब हमारी बन गई है। इसको मैं एक ग्लास में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मतलब इतने उसमें बड़े ग्लास भर के लस्सी बन गई है, 2 ग्लास, और थोड़ी सी और बची हुई है। इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा रोज़ सिरप डालूंगी। देखने में भी अच्छा लगेगा और मुंह में मीठा मीठा आता है तो बहुत टेस्टी लगता है ये। तो लस्सी बनकर एकदम तैयार है। मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। मेरे कहने पे ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करके देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मतलब इतनी टेस्टी लस्सी बनती है ये। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी बनाते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी में अपने एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।